इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी धर्मेंद्र पाल जी, सत्यनारायण जी, बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया और एक और कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया, बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल, क्षमा कीजिएगा मुझे बताया नहीं था किसी ने और इन सबसे अधिक गणमान्य जिनके साथ मुझे जीवन बिताना पड़ता है क्योंकि बचा कुचा जीवन बिताना है, इसलिए उनको भी प्रणाम। और पाल राजेंद्र इंस्टीट्यूशन की तमाम फैकल्टीज और भविष्य में बनने वाले फैकल्टीज और टीचर्स, आप सबको मेरा प्रणाम। मैडम जिन्होंने म्यूजिक बजाया और वो बच्चियां जिन्होंने भजन प्रस्तुत किया, उन सबको भी मेरा प्रणाम। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे नरसैया जी, जो बीच बीच में मुझे फोन करके इंश्योर करते थे कि आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, तो मैंने उनको बताया मैं पहुंच जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। इतना इंपॉर्टेंट मैं हूं नहीं जितना पूनम ने जो परिचय दिया उसमें मुझे जितना इंपॉर्टेंट बना दिया, उतना इंपॉर्टेंट हूं नहीं। नरसैया जी को मैं बताना चाहता हूं, आपने बोल दिया मैं पहुंच जाऊंगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडे, द रिजर्वेशन पॉलिसी and the provisions in respect of the reservation in the Constitution of India. So before I begin with the provisions of the Constitution of India, मैं आपको एक background बताना चाहता हूं कि ये जो reservation का कंसेप्ट है ये आया कहां से। सच्चाई ये है कि ये रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो भारत का संविधान आने से पहले ही आ गया था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और मिंटो मॉर्ले रेकमेंडेशंस ने उस जमाने के ब्रिटिश इंडिया के जो पॉलिटिकल सिनेरियो थे उसके अनुसार उन्होंने ये रेकमेंड किया कि देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट। मिंटो मॉर्ले की रिकमेंडेशन जो 1909 की थी उसके बाद मॉन्टेग चेम्सफोर्ड कमिटी बनी जिसने 1919 में फर्दर ये रिकमेंडेशन किया कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग क्लासेस के लोग रहते हैं तो सबका रिप्रेजेंटेशन हो, इसकी वजह से अलग अलग लोगों के वोटिंग राइट्स अलग अलग कर दिए जाएं। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड कमिटी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इनकॉर्पोरेट किया गया और उस समय के इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडॉनल्ड, उन्होंने 1927 में
साइमन कमीशन भारत भेजा कि पता लगाओ कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो प्रोविजंस है उसका प्रभाव क्या है और क्या हमें सेपरेट इलेक्टोरेट अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जातियों के लिए बनाना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सबको याद होगा साइमन कमीशन का भी बहुत विरोध हुआ, लाला लाजपत राय को प्राण गंवाने पड़े। और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिपोर्ट्स 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और वहां पर दोज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेडेड एंड प्रेसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रैमसे मैकडोनल्ड और उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया जिसके अनुसार भारत में रहने वाले मुस्लिम सिख्स क्रिश्चियंस डिप्रेस्ड क्लास ऑप्रेस्ड क्लास इन सबके इलेक्टोरेट्स अलग अलग होंगे। यानी कि मुस्लिम्स अपना अलग वोट देंगे, अलग कैंडिडेट होगा, सिख का कैंडिडेट अलग होगा, उसकी वोटिंग राइट्स अलग होंगे, क्रिश्चियंस का कैंडिडेट अलग होगा, उसके वोटिंग राइट्स अलग होंगे। ये जो कम्युनिटी के आधार पर जो बाइफर्केशन किया गया इसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। 1931 में जब रैमसे मैकडोनल्ड ने ये कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया, अनाउंस किया, तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में फास्ट अनटू डेथ एक आमरण अनशन विरोध में किया। अब बात ऐसी है कि ये जो कम्युनल अवार्ड था इसमें भारत के जो ऑप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, जिसको आज हम दलित कहते हैं, इनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके सपोर्ट में थे। महात्मा गांधी इसके विरोध में थे। महात्मा गांधी का कहना था इलेक्टोरेट एक ही होना चाहिए, अलग अलग करोगे तो देश विभाजित हो जाएगा। ब्रिटिशर्स विभाजित करना चाहते, बहरहाल महात्मा गांधी के आमरण अनशन से परिस्थितियां बदलने लगी, ब्रिटिश सरकार भी इन्फ्लुएंस हो गई और फाइनली डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो पूना पैक्ट हुआ इसमें जड़ रखी गई रिजर्वेशन। अब देखिए, अभी हमारी मैडम ने बताया कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मसौदे को पास कर दिया था, दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, लागू हुआ 50 में, पर रिजर्वेशन की नींव कब पड़ गई? पूना पैक्ट 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। क्या पैक्ट हुआ था? वो पैक्ट ये हुआ कि महात्मा गांधी जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि ये अंग्रेजों की एक चाल है, तुम इसमें मत फंसो, विभाजन की बातें मत करो, इलेक्टोरेट एक ही रहने दो। बीच का समझौता, चूंकि डॉक्टर साहब अंबेडकर का कहना था कि हमारे जो डिप्रेस्ड क्लास है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा,
तो बीच का रास्ता निकाला गया कि ठीक है, कुछ सीटों को उनके लिए रिजर्व कर दो, सेंट्रल लेजिस्लेचर में कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएं, लेकिन जो सीटें रिजर्व हो उनका इलेक्टोरेट भी कॉमन हो, यानी आम जो जनता है वो भी उन ऑप्रेस क्लास के कैंडिडेट को वोट करे। इस तरह से ये रिजर्वेशन का जो एक कंसेप्ट है ये इवॉल्व हुआ। अब आ जाइए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान बना, लागू हुआ, पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में जिस रिजर्वेशन को आज आप देखते हैं, ये ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो करंट रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है, दैट वॉज नॉट देयर। बिकॉज इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमल्गेटेड, आर्टिकल 332 of the Constitution of India and Article 330 of the Constitution of India, 330 or 332 mein parliament or legislative assemblies of states mein chune hue representatives mein se शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 334 में उसका एक टर्म फिक्स किया गया कि ये जो हम रिजर्वेशन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में कर रहे हैं, दिस इज टू लास्ट ओनली फॉर 10 इयर्स, यानी 1950 से 1960 10 साल तक ये जो है रिजर्व्ड सीट्स होंगी जहां से पार्लियामेंटेरियन चुने जाएंगे, और हर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के रिजर्व्ड सीट होंगी जहां से एमएलए चुने जाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गया ओरिजिनल संविधान। इसमें आपको या आम जन को क्या परेशानी? मेंबर पार्लियामेंट चुने जाएं, एमएलए चुने जाएं, रिजर्व्ड सीट से चुने जाएं, क्या प्रॉब्लम? और वो भी 10 साल के लिए, कोई बात नहीं। ये 1950 में संविधान आया ही था कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मैडम प्रिंसिपल आप ही के स्टेट से सब हो रहा था, चित्रा जी तमिलनाडु सबसे भारत में खलबली मचा रहा, श्रीमती चंपकम दुराई राजू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1951 सुप्रीम कोर्ट इज द लैंडमार्क जजमेंट। हुआ ये कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने जो ओरिजिनल कम्युनल अवार्ड था उसके तर्ज पे, जो कि खत्म हो चुका, भारत का संविधान आ गया जिसमें कहीं कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उस कंसेप्ट को उठाया और एजुकेशन में लगा दिया। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हर मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु में है उसमें
इस जात के इतने सीट, उस जात के उतने सीट, इस धर्म के इतने सीट, उस धर्म के उतने सीट। श्रीमती चंपकम दोराय राजू ने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया कि ये भारत के संविधान के विरुद्ध है और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें एजुकेशन में रिजर्वेशन किया जा सके। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु के इस नोटिफिकेशन को क्वाश कर दिया कि आप भारत के संविधान के विरुद्ध इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं ला सकते और एजुकेशन में सोसाइटी को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन में इस तरह का कोई रिजर्वेशन का कंसेप्ट संविधान में नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया आर्टिकल 330, 332 और 334 में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट की सीट्स में रिजर्वेशन का प्रावधान था। जहां तक नागरिकों के बीच की बात थी तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 एंड 2 वर क्लियर दैट नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लेस। तो जब डिस्क्रिमिनेशन बार्ड है आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 एंड 2 में, तो ये आप तमिलनाडु कैसे ला रहे हैं? ओनली थिंग विच वॉज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 वॉज दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड to make special provisions for women and children. बाकी तो कुछ था नहीं। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु के उस नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया, वॉश कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये बात भारत के पार्लियामेंट को अच्छी नहीं लगी। तो भारत के संविधान का पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1951 वाज ब्रॉट इन और आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4 जोड़ा गया और उसमें यह कहा गया that the government is entitled to make provisions for scheduled caste and scheduled tribes in the field of education. तो ये भारत के संविधान के पहले अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन के फील्ड में रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया, ओरिजिनल में नहीं था। ठीक है, इसके बाद रिजर्वेशन बाकी स्टेट्स ने भी देना शुरू कर दिया। जब संविधान में प्रावधान जुड़ गया, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 आ गया, तो तमिलनाडु से और भी स्टेट्स में वो कंसेप्ट फैलने लगा। इसी बीच और एक नया कंसेप्ट लाया गया, क्योंकि आर्टिकल 16 15 के बाद 16 जो है, अगर आप पढ़ेंगे संविधान में, वो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 एंड 2 प्रोमिनेंटली डिक्लेयर्स कि एम्प्लॉयमेंट के
फील्ड में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। अब चूंकि ये स्पेसिफिक 16 था कि नहीं किया जा सकता, तो 77th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड आर्टिकल 16 विद आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, जिसमें एम्प्लॉयमेंट में भी यह प्रावधान जोड़ा गया दैट नथिंग specified in the provisions above shall prohibit the government from making special provisions for SCST in the field of employment. तो देखिए नौकरियों में भी reservation का concept 77th amendment के बाद लाया। उसके बाद 81st अमेंडमेंट आया। 81st अमेंडमेंट सन 2000 में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक साल के अंदर SC/ST की सीट्स जो रिजर्व्ड हैं वो गवर्नमेंट नहीं भर पाती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल, और अगले साल अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो जो बार है SC का बार है 15% रिजर्वेशन, ST का बार है 7.5% रिजर्वेशन। तो भाई 15% और 7.5% से बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो 2000 में 81st अमेंडमेंट लाकर यह कहा गया कि जो बैकलॉग है पिछले साल का, अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल तो वो लिमिट क्रॉस होने पर भी वो बार नहीं माना जाएगा। यानी अगर सपोज 2% पिछले साल का बचा था और इस साल का 15% फिर से है, तो 17% तक भी हम सीट फिल कर सकते हैं अगले साल। दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्डिंग प्रोविजन विच वॉज ब्रॉट अंडर 81st अमेंडमेंट इन द ईयर 2000 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 2001 में 85th अमेंडमेंट आ गया। 85th अमेंडमेंट ने उस रिजर्वेशन को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सब ये कैरी फॉरवर्ड तो ठीक है, पर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रहेगा। एंड प्रमोशन के साथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी जो है उसमें भी रिजर्वेशन माना जाएगा। 85th अमेंडमेंट 2001 was applied retrospectively from 1995. अब आप बात को समझिए। नॉर्मली जो अमेंडमेंट आता है, जो भी कानून बनता है, वो जिस दिन बन गया उस दिन के बाद लागू होता है, ठीक है? लेकिन ये जो 2001 में 85th अमेंडमेंट आया, ये कब से लागू हो गया? 6 साल पहले 1995 से लागू हो गया। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों? क्योंकि प्रमोशन और सीनियोरिटी को कैलकुलेट करना था। तो अब इसमें एक और चीज आई, 85th अमेंडमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी तक आपने देखा रिजर्वेशन वॉज फर्स्ट, ओरिजिनल रिजर्वेशन वॉज इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड रिजर्वेशन क्वालिटी, सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन कौन सा आया? फर्स्ट अमेंडमेंट से इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन।
1951 में। फिर तीसरी कैटेगरी का आया एम्प्लॉयमेंट में 77th, 81st, 85th अमेंडमेंट। 85th अमेंडमेंट में चौथी कैटेगरी का रिजर्वेशन और ला दिया, ज्योग्राफिकल रिजर्वेशन, जो आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है, लेकिन आपने सुना होगा सन्स ऑफ द सॉइल, ये 85th अमेंडमेंट के बाद घुसाया गया कि भाई हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो लोग ओरिजिनल रहवासी हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में भी प्रायोरिटी दी जाए। तो ये 2001 में 1995 से लागू करके ये ज्योग्राफिकल रिजर्वेशन भी ला दिया, तो चौथी कैटेगरी हो गई। अब देखिए पांचवी कैटेगरी और एक आ गई अभी 2019 में, नहीं नहीं उसके पहले एक और आई, उसके पहले ये जो रिजर्वेशन चल रहा था अभी तक 15.5% का, ये एससी एसटी की कैटेगरी में चल रहा था। फिर आया मंडल कमीशन, मंडल कमीशन वॉज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड समवेयर इन 80s और उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी सरकार के पास ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, दैट मंडल कमीशन रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, बट ड्यू टू द पोलिटिकल टर्मोइल एट दैट टाइम दैट रिपोर्ट वॉज केप्ट असाइड। उसके बाद सत्ता बदल गई, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आ गए इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट वैसे ही पड़ी रही। उसके बाद सरकार फिर बदली और थोड़ी सी देर के लिए एक मिलीजुली सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ वीपी सिंह केम इनटू पावर। वीपी सिंह की सरकार बड़ी ढीली पोली सी स्थिति में थी क्योंकि मिलीजुली थी, कोई किधर से दरी खींच रहा था, कोई किधर से रस्सी खींच रहा था, तो इनको अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना था। तो इन्होंने वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो धूल खा रही थी उसको बाहर निकाला और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से एडिशनल 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया। अब ये देखिए ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं था, क्योंकि अगर आप देखें तो आप आज भी एक बहुत आश्चर्य की बात मैं आपको बता रहा हूं धर्मेंद्र जी, एक बहुत कमाल की बात यह है कि हमारा संविधान आर्टिकल 341 रेड विद आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24 में शेड्यूल्ड कास्ट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 342 रेड विद आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करता है, बट इंटरेस्टिंगली ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को डिफाइन पर ये अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया। ये 1991 के दौरान लागू हुआ, इसके विरोध में बहुत आंदोलन हुए, कई लोगों ने प्राण भी दे दिए, आत्मदाह कर लिए, ये क्या हो रहा है, मगर जो लागू होना था हो गया। Thereafter it was challenged in the court और
in the landmark judgment of Indira Sahni versus Union of India, Supreme Court of India ने एक कैपिंग कर दी रिजर्वेशन पर, एक लिमिट फिक्स कर दी, क्योंकि सरकारों की जो ये नियत थी या नीतियां थी, जिस तरह से रिजर्वेशन ये बांट रहे थे, उसके लिए एक कैपिंग जरूरी थी। तो इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन के लिमिट को 50% पे कैप कर दिए कि सरकारें 50% के लिमिट को पार नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए 15, 7.5 और 27 ये लगभग 50% के आसपास 49% तक पहुंच गया था, और हो सकता है कि हमारी डेमोक्रेसी के कंपल्शन में सरकारें रेवड़ी की तरह रिजर्वेशन बांटती जाएं। तो कोर्ट ने कहा भाई साहब बस करो, हर चुनाव तो हर 5 साल में आएगा और आजकल तो 2.5 साल में भी आ रहा है, तो कितना बांटोगे भाई, ठहर जाओ। तो 50% का कैपिंग हो गया। अच्छा देखिए 50% के कैपिंग के बावजूद सरकारों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, और अगेन तमिलनाडु उन्होंने 60% की कैपिंग को भी आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा भाई हमारी पॉपुलेशन रिजर्व क्लास की ज्यादा है, तो बीच बीच में आप सुनते होंगे कि ये 50% की कैपिंग होने के बावजूद हर एक स्टेट में कोई ना कोई कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, हमको भी रिजर्वेशन मिलाओ। राजस्थान में गुर्जर कम्युनिटी ने आंदोलन किया, तो गुजरात में पाटीदारों ने आंदोलन किया, तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल ही रहा है। सबको रिजर्वेशन चाहिए, और सरकारें देना चाहती हैं, मजबूर हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये क्या बैठे बैठे माय लॉर्ड ना जानते ना कुछ ना वोट के लिए धूल छांटते बैठ के बस रोक देते हैं, बस करो बस करो। अरे कैसे बस करो, तो ये जो अभी तक 49.5% का रिजर्वेशन चल रहा था, इसके बाद 2019 में भारत सरकार एक और रिजर्वेशन लेकर आई, दैट इज अनदर कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन कॉल्ड EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी अभी तक के जितने रिजर्वेशन थे वो जात पात पर बेस्ड थे, कौन किस जात का है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ओबीसी है। ये जो
रिजर्वेशन आया, इसका लाभ हर जात के व्यक्ति को जो गरीब है उसको मिलेगा, और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया। तो अब बढ़ के कितना हो गया, 60%। अगर आपको ये 60% रिजर्वेशन ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो बचा हुआ 40% है उसमें भी ये सब लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। यानी दैट 60% इज रिजर्व्ड, बट रेस्ट ऑफ द 40% ऑल्सो दीज रिजर्व्ड क्लास कैन कंपीट। तो जब ये प्रोविजन मैंने पढ़ा तो मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन याद आई जिसमें लेडीज का कंपार्टमेंट स्पेशल होता है लेकिन रेस्ट ऑफ द ट्रेन में लेडीज चढ़ सकती, उनको कोई रोक नहीं सकता, और कोई दूसरा लेडीज में चढ़ के तो दिखाए। हाँ हाँ अच्छा ओके आई नेवर ट्राइड। अभी देखिए यहां पर मैं देख रहा हूं मेजॉरिटी लेडीज ही हैं, कौन बहस में पड़े, आप ही सही, हम विड्रॉ करते हैं अपने एग्जाम। तो ये जो 60-40 का रेशियो है इसके अलावा एक और खूबसूरत रिजर्वेशन 2023 में ला दिया गया। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी उसके उद्घाटन के तुरंत बाद सरकार ने कहा कि सबसे पहले शक्ति पूजन होना चाहिए, महिला शक्ति वंदन अधिनियम। 33% रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि ओरिजिनल सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए था। मैंने बताया ना आर्टिकल 330, 332। अच्छा ये जो लाया गया है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो 2023 में लाया गया है, पर इफ यू रीड आर्टिकल 243D एंड आर्टिकल 243T, प्लीज नोट इट डाउन, डी एंड टी, 243D में ऑलरेडी महिलाओं के लिए पंचायत राज में रिजर्वेशन का प्रावधान है, और 243T में महिलाओं के लिए म्यूनिसिपैलिटी में भी रिजर्वेशन है। यानी म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो होते हैं और पंचायत इलेक्शंस जो होते हैं उनमें विमेन रिजर्वेशन वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, व्हाट वाज लैकिंग वाज ओनली इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच इज नाउ ब्रॉट इन। ऑल्दो ये एनफोर्स होगा 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाएगी, बट दैट law has already been passed by both the houses, so it is a law in India. नरसैया जी ने मुझे एकदम स्पष्ट बोला था ज्यादा मत बोलना, सर कितने बजे शुरू हुए थे, टाइम बताइए। 11:40 मतलब है अभी थोड़ा कि है, आप बोल देना जरा, ऐसे कर देना मैं रुक जाऊंगा, टाइम नहीं पार होना चाहिए। एक रिजर्वेशन बड़ा करंट न्यूज में चल रहा है, मराठा रिजर्वेशन। ये क्या है मराठा रिजर्वेशन, आपको वो भी बता देता हूं। सरकारें बड़ी परेशान हैं, और कोर्ट मान नहीं रहा,
तो ये टसल गवर्नमेंट और कोर्ट्स में फिर से चल रही है। 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत मराठाओं को 16% रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश गवर्नर की तरफ से जारी हुआ और जारी होते ही ये चैलेंज हो गया बॉम्बे हाईकोर्ट, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को स्टे कर दिया। इस स्टे के अगेंस्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी, यानी वो स्टे बरकरार रहा, तो वो ऑर्डिनेंस लागू नहीं हो पाया। पर जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो उसी ऑर्डिनेंस के आधार पर, उसी के तर्ज पर सरकार बिल ले आई और मराठा आरक्षण को कानून बनाकर, लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास कराकर ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट लेकर आ गए। ये एक्ट फिर से आर्टिकल 15(4) में लाए, 15(5) में, ये फिर से स्टे हो गया। ये कानून जब स्टे हो गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान नहीं है और इस रिजर्वेशन के कानून से क्लियर नहीं हो रहा कि क्या ये रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में 27% के अंदर दिया जाएगा या ओबीसी के बाहर 16% और ऐड करके, अगर 16% और ऐड कर देते हैं तो फिर तो ये 66 प्लस ईडब्ल्यूएस 76% हो जाएगा, और ओबीसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ओबीसी वाले विरोध कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे शेयर में से क्यों आप 16% काटना चाह रहे हैं। ये चूंकि स्पष्ट नहीं था तो फिर से स्टे हो। अब ये जब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी तो सरकार ने एक कमीशन बैठा दिया मराठाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जस्टिस गायकवाड के प्रेसिडेंसी में एक गायकवाड कमीशन बनाया। गायकवाड कमीशन ने 2017 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसके तहत उन्होंने ये रिकमेंड किया कि मराठाओं को एजुकेशन में 12% और एम्प्लॉयमेंट में 13% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। यानी पूरी स्टडी जब हो गई, ये स्थिति देखिए कैसी हास्यास्पद है। इट वॉज लाइक कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले अध्यादेश ला दिया, फिर कानून ला दिया, फिर जाके स्टडी करा रहे। तो ये नहीं समझना है कि पहले वाला अध्यादेश और कानून बिना स्टडी के हो गया था। अब जब ऑफिशियल स्टडी करके गायकवाड कमीशन ने 12% और 13% की रिपोर्ट सबमिट कर दी तो ये फिर से नया कानून 2018 में लेकर आए। सोशली
एंड एजुकेशनली बैकवर्ड रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2018, जिसमें कि फिर से 16% दे दिए। अभी ये स्टडी के बाद जब 12-13% है तो भी 16% का क्या लॉजिक है ये कहीं स्पष्ट नहीं है, जबकि कहा यह गया कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ बैकवर्ड कमीशन दिस न्यू एक्ट। देयरफॉर दिस एक्ट वॉज अगेन चैलेंज्ड बिफोर द बॉम्बे हाईकोर्ट दैट दिस इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि एक चीज यहां पर बीच में रुक के और ऐड कर देता हूं कि ये जो 2018 का एक्ट आया और 2014 और 18 के बीच में पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन हुआ, 102nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, जिसके तहत अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन ला दिया गया कि रिस्पेक्टिव स्टेट की जो जातियां हैं वो बैकवर्ड हैं या नहीं है इनको इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। ये 102वां संविधान का संशोधन। तो जब ये 2018 का एक्ट आया तो उसको भी इस आधार पर चैलेंज किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर रही है कि ये जातीय रिजर्वेशन के हकदार हैं या अधिकारी हैं, क्योंकि ये तो 102वें संविधान संशोधन के बाद प्रेसिडेंट को पावर है। तो फाइनली ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस नए कानून को भी क्वाश कर सेट असाइड कर दिया कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सरकार के द्वारा दिया हुआ मराठाओं का रिजर्वेशन दूसरी बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच के गिर गया। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, उन्होंने कहा ना कानून के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को तो वोटिंग चाहिए, सरकारें चलेंगी कैसे पॉपुलर वोट के बिना। तो सरकारें अब भी अनाउंस कर रही हैं हम लाएंगे लाएंगे जल्दी लाएंगे, क्योंकि मराठा लीडर्स भी बीच बीच में आंदोलन शुरू कर देते हैं और जो ना करना चाहें तो ऑपोजिशन वाले कहते करो ना यार क्यों शांत बैठे। और कमाल की बात यह है, मैं इमेजिन कर रहा हूं, मुझे जानकारी कोई ऐसी विश्वस्त सूत्रों से कोई जानकारी नहीं, मैं तो एक कल्पना कर रहा हूं कि पॉलिटिशियन लोग जाते होंगे रुपए खिलाते होंगे और खिला खिला के कहते होंगे भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, तुम रुपए खाओ खाना मत खाना, भूख हड़ताल करो और आरक्षण मांगो। तो आप सुनते होंगे न्यूज में लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, आमाला पाइजे मंजे पाइजे। अब उनको कौन समझाए कि सुप्रीम कोर्ट मान नहीं रहा है, यार सरकार तो देना चाहती है। अभी दसरा रैली की न्यूज में मैंने चीफ मिनिस्टर का भाषण सुना,
वो शिवाजी की शपथ लेके कह रहे थे कि मैं तो दे के रहूं। अब सुप्रीम कोर्ट को कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, ये सब संभव है। मैं आज ये बात पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि हमारे पॉलिटिशियंस सब कुछ संभव कर सकते हैं। उसके अंदर तोड़ मरोड़ क्या निकाल के सब करेंगे, तो जिन्हें आंदोलन कर रहे हैं जो, उनको भी मेरी सलाह है, थोड़ा धैर्य रखिए, ये भी हो जाएगा। भूखे ऊके मत रहिए भाई, खाते पीते रहिए, आंदोलन करते रहिए, भारत देश है, सबकी सुनी जाती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट बदल जाए, क्योंकि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो करते हो तो बहुत सारे जजमेंट बदल जाते हैं। तो यहां पर कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। सब तरह का डिमांड आप करते रहिए, पर कोई भूखे भूखे मत रहिए, खाते पीते सब आरक्षण भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा, देश ऐसे ही चलता रहेगा। जो 10 साल के लिए रखा गया था वो 70 साल पे भी हट नहीं रहा, और मुझे नहीं लगता उसको कोई हटा पाएगा, क्योंकि हटाना मतलब खुद हटना, और खुद हटना नहीं चाहता कोई। नरसैया जी मैं हटना चाहता हूं, घड़ी दिखा देना आप तुरंत हट जाऊं, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। तो ये मैंने एक आपको करंट, चूंकि व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रिजर्वेशन, तो व्हाट वी आर फेसिंग मराठा रिजर्वेशन, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट आल्सो, एंड आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्मड यू अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन आल्सो व्हिच इज 33%, एंड आई हैव गिवन यू अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द प्रोविजंस। और आपको ये बता दूं कि भारत में आज की तारीख में 3 कमीशन ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अंडर आर्टिकल 338 देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अंडर आर्टिकल 338A देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड अंडर आर्टिकल 338B देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इन कमीशन ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और रिस्पेक्टिव जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हैंडल करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके और ये तमाम चीजें, इसके अलावा भी और भी भगवान जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट्स को जो भी सद्बुद्धि देगा, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्ट्रेट पॉलिसी में आर्टिकल 39A, आर्टिकल 45 वगैरह मैंडेट करती हैं दैट द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स विल कीप ब्रिंगिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पॉपुलेशन। और वो दिन दूर नहीं कि पॉसिबली 100% रिजर्वेशन हो जाए, हर कैटेगरी को कह दे भाई आपके लिए भी 4%, आपके लिए भी 2%, कोई भी दुखी न रहे भारत में, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत नरामया, तो सब सुखी रहें, सबका देश है। और भारत की डेमोक्रेसी में जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो शुरुआत ही करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और एंड करता है प्रियम्बल गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो देन व्हेन वी आर द मास्टर्स हु कैन स्टॉप अस फ्रॉम गिविंग वॉट एवर वी वॉन्ट टू गिव टू आर सेल्फ, वी हैव गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आर सेल्फ, सो वी विल गिव रिजर्वेशन टू आर सेल्फ, हु कैन स्टॉप अस। और जब तक ये सारे हम मिलके नहीं कहेंगे कि बस अब नहीं चाहिए, तब तक ये रिजर्वेशन कहीं नहीं जा रहा। वी हैव टू लिव विद दिस रिजर्वेशन। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी बात खत्म करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं। आप में से जो रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप सुखी रहिए, कहीं नहीं जा रहा रिजर्वेशन, आपके लिए है और जारी रहेगा। और जो रिजर्वेशन के विरोध में है उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि विरोध मत कीजिए,
अपने आप को एक्सेल कीजिए, बिकॉज रिजर्वेशन आपको एजुकेशन में हिस्सेदारी दिला सकता है, रिजर्वेशन आपको एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी दिला सकता है, रिजर्वेशन आपको पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत राज, म्युनिसिपैलिटी में हिस्सेदारी दिला सकता है, पर रिजर्वेशन आपको एक्सीलेंस नहीं दिला सकता। जिन्होंने इस रिजर्वेशन के लिए पूरे जीवन लड़ाई की, जिन्होंने इस रिजर्वेशन के लिए पूना पैक्ट किया, जिन्होंने इस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, वो वहां तक बिना रिजर्वेशन के ही पहुंचे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेवर गॉट रिजर्वेशन इन हिज लाइफ, ही reach there due to his own excellence. तो जो विरोध में है, मैं उन्हें भी उत्साहवर्धन करना चाहता हूं कि अपनी स्किल को इतना शार्पन कीजिए कि फ्रस्ट्रेशन की कोई गुंजाइश ना रहे। जो एक्सीलेंस होती है वो निखर के आती है, उसी तरह से जैसे बादलों के बीच सूरज निकलता है। रिजर्वेशन से कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, रिजर्वेशन से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, रिजर्वेशन से कोई अमिताभ बच्चन या किशोर कुमार नहीं बन सकता। ये तो एक्सीलेंस से ही अचीव होती है हाइट्स, और ये लास्टिंग होती है। रिजर्वेशन से आप अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे बनाएंगे, रिजर्वेशन से आप डॉक्टर अब्दुल कलाम कैसे बनाएंगे। रिजर्वेशन से आप नौकरियां दिला सकते हैं, एजुकेशन दिला सकते हैं, एक्सीलेंस तो उस व्यक्ति को खुद अचीव करने का। तो यदि आप अपने आप को कमर कस ले, कटिबद्ध हो जाए, that I want to achieve excellence in my field, whatever I am doing, you will never be frustrated by this reservation. You will always welcome, all right, दे दो reservation. जैसे एक फौजी रिजर्व डब्बे में रिजर्व बर्थ होने के बाद भी किसी कमजोर व्यक्ति को वो बर्थ देकर कहता है, आप आराम कीजिए, मैं तो खड़े खड़े भी चल जाऊं। उसी तरह से आप अपना जीवन बनाइए, अपने अंदर उस शक्ति को अर्जित कीजिए कि जो कमजोर वर्ग है समाज का, जो वीकर सेक्शन है, वो चाहे जात से हो, धर्म से हो, धन से हो, बैकग्राउंड से हो, सेक्स से हो, उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाइए और कहिए कि ठीक है आप, हम अपने आप को संभाल लेंगे। और मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि जिस दिन आपने एक्सीलेंस अचीव की अपने फील्ड में, कोई ताकत, कोई रिजर्वेशन आपको रोक नहीं पाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।